नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल अल्टीमेट नॉलेज पर। दोस्तों, आप सब लोग इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि हिंदू धर्म ही दुनिया का इकलौता ऐसा धर्म है जिसे दुनिया के अंदर सबसे प्राचीन माना जाता है। और इस बात को कहा जाता है कि हिंदू धर्म ही इस धरती का सबसे पहला धर्म है, और यही ऐसा धर्म है जो कि पूरी तरह से वैज्ञानिक पद्धति पर खरा उतरता है। दोस्तों, आप सब लोगों ने इस चीज़ को देखा होगा कि दुनिया भर के अंदर हिंदू धर्म के मानने वाले लोगों का बहुत ज़्यादा सम्मान किया जाता है, और आज के समय में पूरी दुनिया कहीं ना कहीं हिंदू धर्म से प्रभावित होकर के हिंदू धर्म को स्वीकार कर रही है। दोस्तों, आप सब लोग इस चीज़ को जानते होंगे कि भारत के अंदर वर्तमान समय में हिंदू आबादी लगभग 80% मानी जाती है, लेकिन ये भी एक कड़वा सच है कि भारत भले ही हिंदू बहुल देश क्यों न हो, लेकिन इसके बावजूद भी भारत के अंदर कहीं ना कहीं आज के समय में हिंदुओं का दमन और शोषण किया जाता है। दोस्तों, आप सब लोगों के पड़ोस में जो देश है वो देश भी एक समय पर कहीं ना कहीं हिंदू बहुल हुआ करते थे, लेकिन आज के समय में वहां से हिंदू आबादी पूरी तरह से विलुप्त हो गई है। और साथ ही साथ भारत के बहुत से ऐसे राज्य हो गए हैं जहां पर मुस्लिम आबादी बहुत तेजी से बढ़ी है। भारत के बहुत से ऐसे राज्य हैं जिनके कुछ ज़िले तो मुस्लिम बहुल माने जाते हैं, जहां पर हिंदू पूरी तरह से धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहे हैं। दोस्तों, आखिरकार ऐसा क्या है कि जो धर्म अपने आप में वैज्ञानिक माना जाता है, जो धर्म अपने आप में दुनिया का सबसे प्राचीन धर्म है, और जिस धर्म को मानने वाले लोग अपने जीवन में दूसरे लोगों के मुकाबले बहुत ज़्यादा प्रतिभावान, ज्ञानी और धनवान माने जाते हैं, आखिरकार उस देश के अंदर हिंदुओं के हालात इतने बुरे क्यों हैं कि वो अपने ही देश में रह करके अल्पसंख्यक लोगों के अत्याचारों के तले दबे हुए हैं। आखिरकार भारत का हिंदू अपने आप में एकजुट क्यों नहीं हो पाता? आखिरकार ऐसी क्या मजबूरी है कि भारत की तमाम पार्टियां कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम तुष्टिकरण में लगी होती हैं और वो हिंदुओं को पूरी तरह से इग्नोर कर देती हैं? आखिरकार वो हिंदुओं की कौन सी ऐसी कमजोरी है जिसके कारण से हिंदू अपने ही देश में मार खा रहा है और साथ ही प्रताड़ित हो रहा है? आखिरकार वो कौन सी ऐसी कमी है जो कि हिंदुओं को अब तक एकजुट नहीं होने दे रही? आखिरकार वो कौन सी ऐसी कमी रही जिसके कारण से सोने की चिड़िया कहा जाने वाला भारत अपने आप में पूरी तरह से तहस नहस और बर्बाद हो गया? आखिरकार वो कौन सी ऐसी कमी है जिसके कारण से हिंदू अब तक जात पात में बटा हुआ है? आखिरकार वो कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि हिंदुओं को एकजुट नहीं होने दे रही? दोस्तों, आप लोगों का इस वीडियो के बारे में जो भी विचार हो और साथ ही साथ हिंदुओं की एकजुटता को लेकर के आप लोग जो भी सोचते हो, प्लीज अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और साथ ही साथ इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर करें।